So let's talk about sketchbook today. And I got bunch of these. So let's start with small. I got these A6 or A7 sketchbook. I like to customize them. जैसे कि इधर मैंने रेलवे टिकट लगाया है एंड बंच ऑफ पोस्टल स्टैम्प लगाया है मैंने एंड पीछे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बनाया है बॉल पॉइंट पेन के साथ एंड इसमें मैंने लेटरिंग किया है ऐसा लेटरिंग स्टाइल्स ट्राई है दूसरे ऐसे ये मैं वाइल्ड ट्रैवलिंग यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें आप स्मॉल स्केचेस बना सकते हो बहुत सारे एक्सट्रीमली पोर्टेबल है अगर आपके पास अच्छा खासा पॉकेट है या फिर आप 6 पॉकेट जैसा कुछ पहन रहे हो कार्गो पहन रहे हो तो ये कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है। दिस फर्स्ट बुक इज गिफ्टेड टू मी, ये मैंने ख़रीदा नहीं है एंड इसमें मैंने मोटरसाइकिल्स ड्रॉ करना चालू कर दिया था एंड देन आई स्टॉप बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग अदर स्केच बुक्स एंड फिर एक दिन मुझे कैंप पे जाना था सो आई टुक दिस विद मी क्योंकि ये पोर्टेबल है एंड मैंने ये कैरेक्टर ड्रॉ किया था उधर कैंप में आधा एक घंटे में ड्रॉ कर लिया था मैं रफली इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है कैरेक्टर में। फिर ये जो ग्राफिटी वाला बुक है आई यूज दिस टू रिफ्रेश माई माइंड समटाइम्स सिर्फ ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टर्स मेक्स ड्रॉ करके कंटाला हो जाता है प्रैक्टिस करके सो आई डू सम स्टफ इन दिस लेटरिंग स्टाइल्स सो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद आई वॉन्ट टॉक अबाउट दिस इज माई फेवरेट कैटेगरी ऑफ स्केच बुक दीज आर A5। सिर्फ मुझे A5 में या फिर कौन से भी स्केच बुक में ये स्पायरल बाइंडिंग वाला बुक पसंद नहीं है। पहले मैं यूज़ करता था काफ़ी नहीं मतलब 2-3 है मेरे पास क्योंकि इसमें जब भी आप पेज टर्न करते हो तो दिस इज एन असल वो ये बहुत से टाइम ये स्पायरल बाइंडिंग में पेज अटक जाता है एंड इसको एक आप अच्छा खासा मार्जिन देने में बहुत ज़्यादा इशू होता है like, यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर छोड़ सकते हो पर यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करते हो बहुत इशू होता है सो आई डोंट लाइक दीज A5 में। आई लाइक दीज काइंड ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स इन A5 कि इनको स्टोर करना भी बहुत इजी है। दूसरा इसमें पेज अटकता नहीं वो स्पायरल बाइंडिंग के वजह से तो इनका लाइफ ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहता है। फिलहाल आई एम यूजिंग दिस मेनोरा स्केच बुक, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम पर क्योंकि एक तो इसका जो पेज है वो 180 GSM का है तो आप इस पर बहुत ज़्यादा वाटर के साथ वाटर कलर अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर A5, इसमें सब बुक्स नहीं दिखाऊंगा, जस्ट आई विल शो कपल ऑफ बुक्स। सो ये जो है ये रिसेंट वाला है एंड आई स्टार्टेड दिस बुक ऑन 15th August एंड फिर मुझे पहले पेज पे कुछ कूल ड्रॉ करना था सो आई मेड दिस कर्ल ड्रॉइंग जो हमारा चैनल का लोगो बन गया एंड मैक ड्रॉइंग चाहिए ही मेरे स्केच बुक में। आई लव मैक्स क्रिएचर्स ड्रॉ किए हैं एंड कैरेक्टर्स है कुछ। I really love this sketchbook. This book is from Menora, 180 GSM का spaceship drawings and ये watercolor illustration के लिए मेरे बहुत अच्छा है and ये इनका watercolor बहुत अच्छे से absorb कर लेता है। ये जो comic book character था मेरा and this last couple of drawings I didn't post it somewhere because I felt like मैं सिर्फ Instagram and YouTube के लिए draw कर रहा है एंड ये जो बुक है 110 GSM का। आई यूज दिस फॉर डिप पेन ड्रॉइंग एंड ये पेपर काफ़ी स्मूथ है दैट्स व्हाई इट डोंट हर्ट माय डिप पेन। आई लव मरीन लाइफ एंड फिर मुझे कुछ अलग टेक्सचर्स ट्राई करने थे इसलिए आई मेड ड्रॉइंग्स ऑफ फूड। एंड उसके बाद मेरे पास है ये A5 जो अपना स्क्वायर बुक है, ये मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली फॉर इंक्टोबर जब भी मुझे पोर्टेबिलिटी भी चाहिए क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरीडे आपको हर टाइम ड्रॉ करने का टाइम मिले तो आप चाहते हो कि आपका बुक पोर्टेबल हो। एट द सेम टाइम जो बिकॉज इट इज़ स्क्वायर आपको थोड़ा ज़्यादा जगह मिलता है पोर्ट्रेट बुक से कम्पेयर टू मेक अ डिटेल ड्रॉइंग्स।
So these are my A5 square books and these are my Inktober book. मैंने last 3 year Inktober complete किया है and I will just show you the square one and जो recent वाला था and इसमें I really like square composition क्योंकि वो Inktober का drawings बहुत अच्छा दिखता है उसमें post करने के लिए भी एंड इसमें कभी कभी डिटेल्स या ज़्यादा बढ़ जाता है एंड कभी कभी क्या होता है कि जो ड्राइंग रहता है उसका जो कंपोजिशन रहता है वो वर्टिकल रहता है और कभी कभी हॉरिजॉन्टल हो जाता है ड्यू टू विंग्स एंड ऑल दैट. सो उसके लिए आई प्रेफर दिस स्क्वायर बुक फॉर Inktober एंड Inktober में ऐसे बहुत ड्राइंग है जो मुझे पसंद नहीं आए एज आई वॉज टायर्ड और मुझे तभी एक अच्छा आइडिया नहीं आया या फिर मुझे टाइम का काफ़ी कम मिला. दैट्स वाई एंड दिस ऑलवेज टेन टू हैपन्स विद Inktober कि कुछ ड्राइंग्स बहुत अच्छे बन जाते हैं एंड कुछ ड्राइंग्स नॉट दैट ग्रेट. आफ्टर दैट आई गॉट दिस बिग A3 बहुत बड़ा है एंड इसमें मैं अक्सर बहुत बड़े जो इलस्ट्रेशन रहते हैं मेरे ऐसे टाइप के वो बनाता हूँ. ये तो बहुत पुराना इलस्ट्रेशन है. आई डोंट प्रेफर A4 क्योंकि वो तो पोर्टेबल भी नहीं है एंड ना ही इतना बड़ा है कि उसमें मैं बड़ा इलस्ट्रेशन बना पाऊँ. दैट्स वाई आई गो फॉर A3 एंड अगेन ये जो स्केच बुक है A3 ये भी मुझे गिफ्ट किया था मैंने ख़रीदा नहीं था एंड इसमें मैं जो ड्राइंग्स है वो इतने अच्छे नहीं है क्योंकि तभी मेरा स्किल सेट इतना अच्छा नहीं था एज़ कम्पेयर नाउ. अभी भी मेरा बहुत भारी नहीं है स्किल सेट एकदम बट पहले से तो बेटर है आई गेस सो. एंड तभी मुझे लगता था कि मैं बहुत ठीक से ह्यूमन प्रोपोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ जबकि आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे ह्यूमन से वो ऐसा चबी लग रहा है क्योंकि चबी टाइप लग रहा है क्योंकि उनका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी एंड इसके वजह से जब भी मैं नॉर्मल ह्यूमन प्रोपोर्शन में ड्रॉ करता था आई यूज़ टू फील लाइक कि मैं काफ़ी लंबे कैरेक्टर्स बना रहा हूँ. सो दिस एक्सपीरियंस टॉट मी दैट ड्राइंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग एन आई दैट कैन सी. एंड यू विल से कि स्केच बुक तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है फिनिश ड्राइंग बनाने के लिए नहीं होता है एंड फिनिश ड्राइंग के लिए आप अलग से यूज़ करते हो स्केच बुक में सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना रहते हो पोर्टेबल रहते हैं. दिस इज़ द प्लेस वेयर यू मेक अ मिस्टेक बट एज पर इंडियन करेंसी स्केच बुक बहुत कॉस्टली है लाइक 200-150 एंड उस पर मिस्टेक करना विद 150 रुपीज़ और 200 अगर आप उसके लिए यूज़ करोगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए. सो फॉर दैट आई यूज़ दीज बुक्स. सुंदर हमका नो ब्लैंक पेपर बुक है. सो दीज आर विन नॉट चीप बट अब ये कितने का है 172 पेजेस है एंड मुझे ये 50 रुपीज़ में मिला विद अ डिस्काउंट. सो आई गॉट 172 पेजेस एंड इसमें मैं सिर्फ एनाटॉमी स्टडी करता हूँ जेस्टर ड्राइंग्स लाइक दिस ड्राइंग हेड फ्रॉम डिफरेंट एंगल. एंड ये सब हेड है ये टॉर्सो के लिए बनाया था एंड ये मेरा लास्ट ईयर में मैंने जो यूज किया है वो बंच है एंड और इतने स्केच बुक थे उसके पिछले ईयर्स के स्केच बुक नहीं थे बुक्स थे एंड वो मैंने रद्दी में दे दी क्योंकि स्टोरेज के लिए जगह नहीं था मेरे पास एंड दीज आर सपोज टू बी दैट कि ये प्रैक्टिस करो यू सपोज टू बी प्रैक्टिसिंग इन दोज बुक्स एंड जस्ट आपका जब प्रैक्टिस हो जाए ये बुक फेल हो जाए उसके बाद यू कैन डिस्पोज ऑफ. दिस इज नॉट अ स्टफ वेयर यू हैव टू शो दिस बुक्स टू एनीवन. इसमें फिनिश ड्राइंग नहीं है कौन सा भी. ये देखो इधर हेड ही ड्रॉ किया है मैंने बहुत ज़्यादा अलग अलग एंगल्स में. दीज आर आई स्टडीज. सो ये ऐसा स्टफ है जो आप किसी को दिखाओ ये फिनिश ड्राइंग नहीं है. सो यू कैन प्रिटी मच यूज दोज एंड डिस्पोज ऑफ. लाइक अगर आप 600 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो आपको शायद से 3 स्केच बुक आए आपके पास से. पर अगर आप 600 इन्वेस्ट करते हो इनमें
तो आपको आएगा ये अराउंड एक डजन आ जाएंगे आपको ये बुक्स. सो दीज आर नॉट सपोज टू बी अ फिनिश्ड ड्राइंग बुक, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर्ट स्टडी. इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक ही फेस का एनाटॉमी ड्रॉ किया है एंड रिपीटेशन में ड्रॉ किया है एक ही एंगल में. अगर मैंने अलग एंगल ड्रॉ किया है एनाटॉमी के साथ तो वही एंगल रिपीट किया है बहुत सी बार. स्कल तो स्कल ड्रॉ किया है मैंने, आइज तो आइज ड्रॉ किए हैं, माउथ तो माउथ ड्रॉ किया है एक जगह. रिबकेज भी आपको अलग अलग एंगल में देखने को मिलेगा एंड लेग का स्टडीज भी देखने को मिलेगा. ज़्यादातर आपको जेस्चर ड्राइंग्स देखने मिलेंगे ये फ्लिप थ्रू में, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब भी मैं जेस्चर ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था बिकॉज मेरा ड्राइंग बहुत स्टिफ था उससे पहले. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई यूर ड्राॅइंग इम्प्रूव, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को पर्टिकुलर टाइम पे टैकल करते हो सिंगल टाइम पे. आपका ड्राॅइंग इसके वजह से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा क्योंकि यू मेक फिनिश ड्राॅइंग. आपका ड्राॅइंग इसके वजह से इम्प्रूव होगा बिकॉज यू मेड 100 गार्बेज ड्राॅइंग्स एंड फिर आप को वो ड्राॅइंग 100 गार्बेज ड्राॅइंग कर करके आप धीरे धीरे हर एक ड्राॅइंग में या फिर हर एक रिपीटिशन में आप वो मिस्टेक इम्प्रूव करते जाते हो. उसके वजह से आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो इम्प्रूव होता है. एंड ये स्टफ का कोई इंस्टाग्राम पर डालेगा नहीं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर डाल के मतलब भी नहीं है. नोबडी नोज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. लाइक एक सिर्फ माउथ है अलग अलग एंगल में. So nobody is no one is that much interested in mouth from different angles.